पासपोर्ट एग्जामिनेशन का आज डे वन था और आप देख सकते हैं कि मैं एमएम कॉलेज के बाहर हूं और गाड़ियां भरी हुई हैं उन कैंडिडेट से जो एमएम कॉलेज में या जम्मू यूनिवर्सिटी में क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन देने के लिए आए थे। लगभग 4.5 लाख लोगों ने जम्मू कश्मीर में क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया है और आज के दिन पहला दिन था एग्जामिनेशन का। 1,34,000 एस्पिरेंट्स ने आज एग्जाम दिया है। वैसे मैं एमएम कॉलेज के बाहर हूँ, हमने कुछ छात्रों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या जरूरत पड़ी उन्हें क्लास फोर्थ के एग्जामिनेशन में अप्लाई करने की, तो सुनिए उनका क्या कहना था। क्लास फोर का एग्जामिनेशन दे के आया? हाँ जी। कैसा हुआ एग्जाम, ठीक हुआ? हाँ ठीक हुआ। मुझे बताएं कि क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन भरने की जरूरत क्या पड़ी? एक्चुअली यहाँ पे देखो, हम एक जॉब्स वगैरह की इतनी जूद इतना वे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे J&K में, तो इसलिए बल्कि एटलीस्ट कुछ ना करके कुछ तो करें हम, कोई सरकारी नौकरी तो नहीं। हाँ, कोई तो निकल जाए वैसे ही। तो क्या लग रहा है कि कंपटीशन तेज है कि 4.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया? क्या मतलब कि 8,000 कुछ पोस्ट हैं और इतने सारे किए हैं, मे भी हो सकता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पोर्कू से हूँ। पोर्कू से? हाँ। तो वहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी आए एग्जामिनेशन देने? हाँ। वहाँ का एग्जाम ईजी था, टफ था, क्या था? नॉर्मल था, मतलब कि वही उसी के जिसने पढ़ा हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन लग रहा है क्योंकि लोग इतने सारे हैं कि हो या ना, बस वही ना उस पर डिपेंड करता। अभी 8,000 कुछ पोस्ट थी तो इतने सारे लोग का कंपटीशन तो और आज कुछ होगा ही। लेकिन चीटिंग के कोई चांसेस है या सब कुछ फेयर मैनर में हो? हाँ फेयर था, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है, मतलब कि मुंडी भी इधर उधर ना करने दे रहे, वो तो नहीं करने दे रहे। हाँ बस काम हो गया। हाँ हो गया। मुझे बताओ क्लास फोर्थ का एग्जाम देने की क्या जरूरत पड़ी? मैम जैसे आज कल बेरोजगारी ज़्यादा, तो बोल रहे हैं मैम पा रही अजकल बेरोजगारी जी काफ़ी ज़्यादा होई रही है, तो बच्चे जोड़े हैं वो काम वास्ते इधर उधर भटकते रोते हैं, ठीक है, तो ता करिए क्लास फोर का फॉर्म लाने की जरूरत जी मुझे बड़ी काफ़ी ठीक लगे उन्हें। 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो? मैम जी जो फॉर्म लगे फिलहाल तो 12th से 10th पास लगे, ग्रेजुएट नहीं लगा देने, ठीक है, जो फॉर्म ग्रेजुएट लगे वो कैंसल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनसे जो 10वीं 12वीं उनके लिए फॉर्म लेना है। तो अंदर कोई चीटिंग के चांसेस है या बिल्कुल ठीक ठाक एग्जाम हुआ? कोई चीटिंग नहीं अंदर, कोई नहीं, कुछ नहीं। बाकी SOPs फॉलो हुए, मास्क पहना हुआ था सभी ने? सभी ने पहना हुआ, सभी ने पहना हुआ। स्ट्रिक्टनेस पूरी थी? बिल्कुल। एग्जाम ईजी था, मुश्किल था? ईजी भी था, मुश्किल भी था, लग रहा हो जाएगा अब देखते हैं। मुझे बताओ क्लास फोर्थ का एग्जाम देने की जरूरत क्या पड़ी? क्या करें, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, नौकरियाँ मिलती नहीं है, क्या करें, कुछ भी मिल जाए अच्छा हमारे लिए। 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो? अंडर ग्रेजुएट हो। अंडर ग्रेजुएट हो, हाँ। ठीक है, क्या लगता है कि ये एग्जामिनेशन के लिए इतने सारे 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, हाँ। क्या दिखाता है ये? यही दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सर, सभी ऐसे ही कहीं यहाँ आ रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं, ग्रेजुएशन बेरोजगार है सारे, इसलिए तो कोई भी नौकरी मिल जाए हमारे लिए तो अच्छा ही। एग्जाम कैसा था, टफ था, ईजी था? मीडियम ही था, इतना टफ भी नहीं था, मीडियम ही था, हाँ। ठीक है, अंदर SOPs का फॉलो हो रहा था? हाँ। स्ट्रिक्टनेस थी? हाँ, ठीक थी। एग्जाम देके आए हो अभी? हाँ, एग्जाम देके आए हैं। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हो गया। तो अंदर सारा फॉलो करते, मास्क पहना हुआ था सभी? हाँ, ने मास्क वगैरह सब कुछ पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करते, डिस्टेंसिंग का भी रखा हुआ था। तो एग्जाम ठीक था, इजी था, मुश्किल था? नहीं, इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था, नहीं था। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन दे रहे हो? ऐसे ही मतलब चलो ट्राई करते हैं कुछ, मतलब वगैरह नंबर वगैरह आ जाए कुछ वैकेंसी, ट्राई किया है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले? हम किशनपुर मनवाल के रहने वाले हैं। तो वहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी आए थे एग्जाम देने के लिए? हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी आए थे एग्जाम देने के लिए। एग्जामिनेशन हो गया? हाँ जी मैम। कैसा हुआ? अच्छा हुआ, एग्जाम प्रिपेयर थे पूरे? हाँ जी मैम। तो वहाँ पर प्रिपरेशन कैसी थी, चीटिंग के चांसेस थे या सब कुछ फेयर ही लग रहा था? नो नो मैम, चीटिंग के कोई चांसेस नहीं थे, कोई चांसेस नहीं थे, SOPs फॉलो हो रहे थे? हाँ जी। एग्जाम कैसा था, टफ था या इजी था? एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था। बच्चे कितने थे सेंटर में? बच्चे हमारे कुछ एब्सेंट भी थे बच्चे। लग रहा है कंपटीशन होगा? हाँ कंपटीशन तो होगा ही, कंपटीशन तो होगा, हाँ। बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस नहीं है, सरकारी नौकरियां निकलती नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बातें उन लोगों ने कही जो लोग ऑन कैमरा आकर बता रहे थे कि वो क्लास फोर्थ का एग्जाम देने पर मजबूर क्यों हुए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो कैमरे से मुंह छुपा रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों को मालूम चले कि वो यहाँ पर क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन देने के लिए आए थे। कई सारे लोग उनमें से वो भी थे जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, और दो कारण थे कि वो कैमरे पर आकर नहीं बताना चाहते थे कि वो एग्ज़ाम देने के लिए आए। एक कारण ये कि उनमें अभी भी कन्फ्यूजन है कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो एग्जामिनेशन तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद, क्योंकि ग्रेजुएट्स इनएलिजिबल हैं,
उन्हें जो है इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। और दूसरा कारण ये कि आज भी हमारे समाज में ये माना जाता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप पीएचडी के आपने पीएचडी की हुई है, तो आप क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन नहीं भर सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं क्लास फोर्थ की एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं और क्लास फोर्थ की नौकरी अगर आप लेते हैं तो आपको काम क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट का सर जम्मू कश्मीर में इतना है कि 4.5 लाख लोग मजबूर हुए कि वो क्लास फोर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आज के दिन डे वन एग्जामिनेशन का 1,34,000 बच्चे ऐसे थे जो क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन देने के लिए आए। एग्जाम सेंटर्स के बाहर जो लंबी लंबी कतारें लगी वो भी हमने आप तक पहुंचाई, और लेकिन हमने उन लोगों के चेहरे आप तक नहीं पहुंचाए जो लोग कैमरे पे आकर ये बताना नहीं चाहते कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम देने आया हूँ।